अब सभी मकान मालिकों और दुकानदारों को अपने अपने किराएदार और नौकरों की पुलिस को संपूर्ण जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पुलिस मकान मालिक और दुकानदार के खिलाफ भी कार्यवाही करेगी। जिला पुलिस अधीक्षक ने शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम को लेकर सभी थाना प्रभारियों को किराएदार और नौकरों की पुलिस तस्दीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मकान मालिक और दुकानदारों से किराएदार और नौकरों की संपूर्ण जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराने की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही पुलिस शहर के सभी हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों की भी जांच करेगी। इस दौरान सभी छात्र और हॉस्टलों में रहने वाले युवकों की पुलिस तस्दीक करेगी और तस्दीक नहीं होने पर धारा 45 राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। ये अपने पुलिस एक्ट के सेक्शन 45 के अंदर ये प्रावधान है कि पुलिस अधीक्षक इस संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं कि जो भी लोग किराएदार रहते हैं उनका वेरीफाइड आइडेंटिटी थानों पे मालिक जमा कराएं और उसी के बाद किसी को किराए पे दें। तो एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है जो कि सुरक्षा के लिए ली जाती है और इससे काफ़ी हद तक अनवेरीफाइड लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग शहरों में आश्रय पाने से वंचित किए जा सकते हैं और इससे शहर की सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है। इसलिए ये आदेश प्रसारित किए गए हैं और इसके लिए इंटेंसिव हम लोग सिटी के अंदर वेरिफिकेशन भी चलाने वाले हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो हॉस्टल्स हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, विभिन्न जातियों के नाम से चल रहे हॉस्टल्स हैं अथवा ऐसे क्षेत्र जहां किराएदार ज़्यादा रहते हैं उनका पुलिस के बीट कॉन्स्टेबल के द्वारा वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। जो लोग ऐसे मिलेंगे कि बिना वेरिफिकेशन के, बिना पुलिस को सूचना दिए वहाँ पर अगर किराएदार रहते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ पुलिस एक्ट और IPC के धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।